गाइस लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा था कैसे वेनम की आर्मी ने शिनचैन को किडनैप कर लिया था और वेनम ने शिनचैन को बहुत मारा था। तो क्या शिनचैन मर गया था या जिंदा है, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा इस वाली वीडियो में। तो वीडियो को पूरी देखना, सो लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस व्हाट्स अप, तो कैसे हो भाई लोग। यार आज की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिनचैन मर गया या जिंदा है। तो वेनम ने उसको ट्रांसफर कर दिया था अपने सीक्रेट बेस में। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओए जल्दी से इसको कवर में डाल दो जलाकर, किसी को पता ना चल पाए। और जल्दी से इसको दफना दो, और कोई भी सीक्रेट बेस में अगर अननोन बंदा है तो सीधा उसको गोली मार देना, कोई भी रुकना मत। मेरे को दुबई की मीटिंग में जाना है तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो गाइस वेनम तो चला गया यार दुबई की मीटिंग अटेंड करने सिटी से बाहर। तो ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो 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 फ्रैंकलिन, जल्दी आ जाओ, शिनचैन की जान बचानी है तो इस बेस पे जल्दी आ जाओ। क्या शिनचैन को क्या हुआ? हेलो हेलो बोल भाई, क्या हुआ शिनचैन को? दोस्तों मैं भी आ रहा हूँ जरा, दो मिनट, मेरे को कुछ काम आ गया है, ठीक है? अरे क्या हुआ ब्रो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं यार, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे शिनचैन तो स्कूल गया था, पर शिनचैन को क्या हुआ यार? मेरे को जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाना पड़ेगा यार, वो ही मेरी मदद कर पाएंगे। गाइस लोकेशन तो मेरे को यार यहीं की दी थी उस बंदे ने। चलो मैं एक बार सामने देखता हूँ यार, एक बार अपनी स्नाइपर राइफल निकाल के चेक करता हूँ। और ये तो भाई लॉस गैंग के बंदे हैं। दोस्तों मेरे पास एक प्लान है, जल्दी से तुम गाड़ी में बैठो, अब सीधा होगा फुल आक्रमण। तो जल्दी गाड़ी में बैठो, मारो सबको। अरे शिनचैन मेरे भाई, तेरे को क्या हो गया? अरे शिनचैन खड़ा हो मेरे भाई, यार तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ही भाई। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी आ जाओ यार। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, हम जल्दी से शिनचैन को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में। शिनचैन मेरे भाई तेरे को कुछ नहीं होगा यार, एम्बुलेंस आ गई है। ऐसे करता हूँ मैं भी तेरे साथ चलता हूँ जल्दी जल्दी। गाइस आप जल्दी से यार शिनचैन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज यार लाइक कर दो यार आप जल्दी से इस वीडियो को। गाइस मैं एम्बुलेंस के साथ साथ ही रहूंगा यार, कोई शिनचैन को रोक ना ले। गाइस आप भी प्रे करो यार, शिनचैन बच जाएगा या नहीं बच पाएगा। गाइस मैं थोड़ा सा यार पीछे रह गया था और हॉस्पिटल तो आ गया। चलो मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ, जल्दी से जाकर देखता हूँ यार शिनचैन की हालत कैसी है। गाइस मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, शिनचैन बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा, उसकी यार बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखी है। जल्दी से जाके मैं देखता हूँ यार क्या सीन है। अरे अरे सुनो सुनो मैडम मैडम मैडम, आईसीयू कहाँ पर है? अच्छा सामने है, ओके ओके। गाइस सबसे पास यार यही वाला हॉस्पिटल था, तो यार मेरे को लग रहा है शिनचैन इसके अंदर ही है। और भाई देखते हैं जाके, और ये रहा भाई शिनचैन। और भाई यार यहाँ पर तो बहुत सारे लोग भी है, चलो यार डॉक्टर से जाके बात करते हैं क्या सीन है यार। अरे सर आप बाहर जाके बैठो, शिनचैन की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रखी है यार, अभी हमें पता नहीं हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे शिनचैन को, आप जल्दी से बाहर जाके बैठो। गाइस मैं चलो यार बाहर जाके थोड़ा वेट करता हूँ यार, शिनचैन बच पाएगा नहीं बच पाएगा, जल्दी से मैं भगवान से ही प्रे कर लेता हूँ यार शिनचैन बच जाएगा। और गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है यार, कभी भी हम पे अटैक हो सकता था। जल्दी से मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ और सिक्योरिटी मंगवाता हूँ। अरे अरे फ्रैंकलिन मेरे दोस्त, क्या हुआ शिनचैन को जल्दी बता मेरे को, मैं बहुत सारे डॉक्टर भी लेके आया हूँ, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। और मैं सिक्योरिटी भी लेके आया हूँ, तो जल्दी से डॉक्टर को लेके जा शिनचैन के पास, ये बहुत स्पेशल डॉक्टर्स हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने डॉक्टर को यार छोड़ दिया है शिनचैन के पास, चलो मैं एक बार बाहर जाके सिक्योरिटी चेक कर लेता हूँ यार क्या सीन है सिक्योरिटी का। भाई दो गार्ड तो मैंने आईसीयू के अंदर लगा दिए, और दो गार्ड तो देखो भाई बाहर ही खड़े बिल्कुल गेट के आगे, कोई अंदर ही नहीं आ पाएगा अनऑथराइज बंदा। भाई बाहर जाके देखते हैं क्या सीन है यार, जल्दी चलते हैं। और भाई यहाँ पर भी दो गार्ड तो लगा दिए हैं अंडरवाटर माफिया ने, तो चलो यार बाहर जाकर देखते हैं। और भाई बाहर भी अच्छी खासी सिक्योरिटी लगा दी है यार, भाई यहाँ पर जितने बंदे खड़े हैं ना इनको हटाकर सिक्योरिटी लगवा दूंगा। और चलो एक बार अंडरवाटर माफिया से एक बार बात कर लेते हैं भाई क्या सीन है, और इसको थैंक यू बोल देते हैं यार। यार फ्रैंकलिन तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले यार, एक्चुअली मेरे को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा, तो मैं तेरी वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा अर्जेंट है वो। कोई बात नहीं भाई, तूने अपनी आर्मी दे दी यार मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है यार, उसके लिए थैंक यू सो मच यार, जल्दी मिलते हैं। भाई शिनचैन की सिक्योरिटी के लिए यार हमने बहुत सारी आर्मी लगा दी है, अब कोई भी अनऑथराइज बंदा आ ही नहीं सकता यार यहाँ पर। भाई कम से कम ये है 50 से 100 बंदे हैं यार, पूरे फैले हुए हैं एरिया में। एक बार ऊपर देखो, ऊपर भी लगे हुए हैं, और ये देखो गन लेके खड़ा हुआ है बंदा तो गाड़ी के पास।
तो भाई बहुत ज्यादा सही है यार हमारे लिए, और देखो सामने भी कितने सारे बंदे खड़े हैं। अब बारी है अवेंजर्स को कॉल करने की। तो गाइज आप जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो पार्ट 3 के लिए, और कमेंट में लिख दो पार्ट 3, और शिनचैन बच पाया या नहीं बच पाया मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।